ओ वरुका है, से हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो वरु हो गई है स्कूल के लिए रेडी, और आज है वरु का एफे, और आज वरु का एक कंपटीशन है क्योंकि वरु फर्स्ट टाइम देने जा रही है, तो देखते हैं कैसा होता है। ओके, और आज वरु लंच में क्या लेकर जा रही है? वरुज फेवरेट मैक्रोनी। वेलकम बैक टू माई चैनल। और सुबह आपने देखा ही होगा, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था जब वरु स्कूल जा रही थी, और अभी बज रहा है 7:30, और मैं पी रही हूँ चाय। अभी मेरे बाल वाल सब ऐसे ही हो रहे हैं मेरे भी। तो मैं पी रही हूँ चाय और पति देख रहे हैं फोन। आज पति ने भी व्रत रखा है और आज है शिवरात्रि, सावन वाली। तो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, और उसके बाद अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। चलो ये निकालते हैं उसको, देखते हैं पहन के। हाँ, वाला सूट पहन के मंदिर जाऊंगी, और ये सूट है उज्जैन महाकालेश्वर से, पति लेकर आए थे मेरे लिए। तो आज तो बेस्ट डे है इसको पहनने का। ये है मेरा सूट, अच्छा लग रहा है। हम मंदिर पहुंच गए हैं, ये है हमारा मंदिर। फूल लेकर ये देखिए गाइस, मंदिर के पीछे का व्यू। तो मंदिर से हमने पूजा कर लिया, अब हम घर जा रहे हैं। अब घर वाले मंदिर की पूजा करेंगे। एक्चुअली जो हमारी हेल्पर है वो अभी आई नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं थोड़ी सी मंदिर की क्लीनिंग कर लेती हूँ और चूज़ कर लेती हूँ कि आज लड्डू गोपाल जी को कौन से कपड़े पहनाऊँ। तो चलो देखते हैं कौन सी ड्रेस पहनाते हैं। जैसे कॉटन में ही, गर्मी में तो मैं थोड़ा कॉटन में ही पहनाती हूँ, या फिर ये पहना देते हैं स्काई ब्लू, और स्काई ब्लू के साथ ये स्काई ब्लू वाली पगड़ी। और पूजा हो चुकी है पति की और मेरी हमारी, अब भगवान को भोग लगाते हैं दूध और मखाने और फ्रूट्स का। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, तो मैंने कर लिया है चेंज क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी सूट में, और गर्मी भी हो भी बहुत ज़्यादा रही है, बारिश ही नहीं हो रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ वरु का वेट स्कूल से आने का बस, और उसके बाद मैं आपको अपनी कल वाली शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैं यहाँ से करने गई थी। ओके, एक मिनट। हाँ आप बताओ, वरु आ चुकी है स्कूल से। सेकंड आए हो? ओके, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट राजवर्धन है। वेरी गुड, जल्दी चलो। आ जाओ आ जाओ, एक बात और है। हाँ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी चलो 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 चलो। पानी भी पी लो। ओके 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 ओके, चलो 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 यहीं। वैसे गेट मैंने उधर से खोला हुआ है, बट आओ उधर से चल के। पहले पानी पिलाना है। मेरी चौथी बार फुल मार्क्स आए हैं। ये चौथी क्या होता है? फोर टाइम हिंदी लैंग्वेज में 10 में से 10। ओह माय गॉड मैम, क्योंकि मुझे नमक नहीं लेना है तो मैं प्लेन फ्रूट्स खा रही हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग कल वाली पूजे के लिए भी। तो ये मुझे ठीक लगा डस्टिंग के पर्पज़ से, और आपको थोड़ी हाइट पे जाना है उसके पर्पज़ से बिल्कुल बेस्ट है, तो मैंने ये लिया था, और काफ़ी मजबूत भी है। तो
और क्या लिया था ऐसा? ओके, यहाँ एक डस्टबिन लिया था बाहर के लिए, एक्चुअली बाहर के लिए डस्टबिन। तो ये है सब कुछ जो मैंने कल शॉपिंग की थी। तो मैंने क्या क्या लिया है मैं दिखाती हूँ आपको। पहली वाला बैग निकालते हैं। तो ये मैंने बड़ों के लिए लंच बॉक्स लिया है। पास बड़े तो काफी है लेकिन छोटे वाले साइज का मुझे 3 लीटर का ही चाहिए था। तो वो ये आई थिंक 3 लीटर है। तो ये मैंने प्रेशर कुकर लिया था, जैसा इसमें पिक्चर में शो हो रहा है वैसा ही है। बाकी हॉकिंस के तो अच्छे ही होते हैं नो डाउट। ये कुछ ऐसा सोपर से ट्रांसी है और स्टील में है, अच्छी स्टील है। और ये इसके साथ एक स्पून भी आया है। तो ये एक मैंने ये नाइफ लिया है बिग साइज में। एक मैंने ये रबर लिया है कुकर की इसके साथ। यहाँ मैंने कुछ स्पून्स एंड फोक्स वगैरह लिए हैं सब कुछ। ये तो ये स्पून्स हैं, स्पून्स जितनी भी आ जाएं कम ही रहती हैं। जो कॉर्नफ्लेक्स के लिए बड़े बोल्स चाहिए होते हैं उनको, तो ये उनके लिए मैंने 2 लिए हैं। मतलब दो क्या, दो का दो अच्छे लगे तो 2 मैंने ले लिए। और ये सेरेमिक में है, इसके डिज़ाइन ऐसे हैं, मैं आपको ऐसे ही दिखा सकती हूँ। इसके मेरे पास लिंक तो है नहीं। तो यस ये ली है। और मैंने ये मेलेमाइन के बोल्स लिए हैं। एक्चुअली मेरे पास मेलेमाइन का प्लेट्स का बोल्स प्ले क्वार्टर प्लेट्स और डिनर प्लेट्स का सेट है, पर मेरे पास उसके ये बिग बोल्स सर्विंग बोल्स नहीं थे, तो इसलिए मैंने ये 2 सर्विंग बोल ले लिए। और इसका मेरा क्या एक सेट तैयार हो गया है, होता है। तो इसके मुझे स्पून्स भी मिल गए हैं और इसके मुझे सर्विंग बोल्स भी मिल गए हैं। ये मेरा इडली का कुकर जो कि मेरा टूट चुका है, मतलब टूटा तो नहीं है, है तो ठीक, बट उसके जो हैंडल्स हैं होल्ड करने के वो टूट चुके हैं, पड़ता है। तो मैंने एक नया इडली कुकर लिया है क्योंकि वो नेक्स्ट है। ये कैटल और ग्लासेस, ये कैटल मैंने पानी के लिए लिया है सर्व करने के लिए। जग है इसमें, सॉरी एक ये, यस ये बहुत लाइट वेट है ये ग्लास, बट बहुत लाइट है, बोरोसिल में का है ये ग्लास वेयर जग। और बहुत इसका जो कलर है वो गोल्ड कलर में है ये लाइट, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसी के मैचिंग से ये ग्लासेस हैं पानी के लिए, तो ये पानी के लिए जब भी मैं इसको यूज। नेक्स्ट एक और ग्लासेस हैं, ये ग्लासेस हैं। ये ग्लास मुझे बहुत अच्छा लगे, तो बहुत लाइट वेट है और काफ़ी अच्छा है पानी वगैरह के लिए। विस्की ग्लास का सेट ऑर्डर के लिए, विस्की हम लोग नहीं पीते हैं एक्चुअली, पति भी नहीं पीते अब तो बट कोई आ जाता है तो होने चाहिए, तो हैं पहले भी, बट ये पति को अच्छा लगा तो ये हमने। और ये उसके सर्विंग स्पून थे जो मैंने अभी स्पून ली थी उसी को मैचिंग से। ये मैंने क्यूट सा ट्रेन टूथपिक लिया है। ये बॉक्स, सॉरी यहाँ से टूथपिक्स रखी हुई हैं। तो ये है हमारा ट्रेन टूथपिक, है क्यूट। तो ये लिया था एक मैंने, और 2 मैंने ये ऑयल डिस्पेंसर्स लिए थे। और ये एक्रेलिक में है क्योंकि ग्लास में मेरे पास पहले थे, तो वो जब ऑयल के साथ चिकने हो जाते हैं ना, ऑयल बाहर थोड़ा थोड़ा लग जाता है, तो वो स्लिप होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है हाथ से। तो फिर मैंने ये एक्रेलिक में लिए जो कि लग बिल्कुल ग्लास की तरह रहे। ये देखिए आप, ये 1/2 लीटर में है बट इनफ है। तो ये हो गए, ये बैग भी खाली हो गया, ये बैग भी खाली हो गया। अब क्या बचा? यस, अब बचा ये, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्चुअली मैंने लास्ट में लिया था जब मैं निकल रही थी, सब बिल हो गया था, तो मुझे ये लगा दिखा तो मैंने ये ले लिया। एक मैंने ये वुडन ट्रे ले लिया है, अच्छी लग रही थी मुझे। आप देखते हैं इसको मैं डिकोर में या किचन में कहाँ यूज़ करती हूँ, तो ये वुडन में है।
तो ये मैंने ले ली थी। एक मैंने ये फूड ट्रे ली है, जैसे कि कुछ भी सर्व करना है, या केक या पैनकेक्स या मफिन्स या कुछ भी मुझे फ्रूट्स रिकॉर्ड करने हैं, तो मैंने उसकी। तो यस, ये थी मेरी शॉपिंग। आपको कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो हो गई है शाम, और शाम के 6:30 बज रहे हैं, और अब मैं कर रही हूँ व्रत के खाने की तैयारी, क्योंकि व्रत खोलना है पति और मुझे, तो मैं सब कुछ सबके लिए सेम ही बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग इस वाले व्रत में नॉर्मल खाना खा लेते हैं, बस हल्दी नहीं डालते, बाकी हम लोग नॉर्मल खाना ही खाते हैं। तो चलो, तो यहाँ बन रहा है मेरा काशीफुल। हम बनाएंगे आलू व्रत वाले, और पूरियाँ और रायता। तो आलू की प्रिपरेशन करते हैं, और इसको हम रख देते हैं इस वाले पे सिंपल करके। Yes! तो मैंने कर लिया डिनर बहुत अच्छे से, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि मैंने कुछ शूट नहीं किया, बस अब पति का वेट हो रहा है। पति और बेटू का मैं एक साथ लगा दूंगी। अभी फिलहाल मैं करने जा रही हूँ बुर्ज के साथ थोड़ी सी मस्ती बेटू, तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो हो गई है रात, और बज रहे हैं 11, और अब आ रही है बहुत ही नींद। व्रत का खाना खाने के बाद आती है बहुत जोर वाली नींद, इधर वरू भी है। तो बस अब इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।